तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर के तीसरे और आखिरी मुकाबले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आखिरी मुकाबला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीजें हुई है जिससे ये मुकाबला आखिरी बन सकता है। तो क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, साथ ही जानेंगे तीसरे मुकाबले की प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो सभी का स्वागत है क्रिक बुक पे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये मुकाबला आखिरी मुकाबला क्यों बन सकता है। तो अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता चल ही होगा कि रोहित शर्मा और कुछ खिलाड़ी जो होटल गए थे और उनका फैन की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसी वजह से कुछ क्वारंटीन के रूल्स वहां पर टूट गए। इसी खबर को मीडिया ने ऐसा फैलाया कि क्वींसलैंड ब्रिस्बेन जहां आखिरी मुकाबला होने वाला है, वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपको रूल्स फॉलो नहीं करने हैं तो यहाँ मत आइए। तो इसी वजह से इस मैटर को ज्यादा बड़ा कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने और इसी वजह से ये मुकाबला आखिरी बन सकता है और चौथा मुकाबला खेला नहीं जाएगा। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि जो खिलाड़ी होटल गए थे वो सारे नेगेटिव आ चुके हैं, तो कोई टेंशन की बात अभी नहीं है। और अगर चौथी मैच होती है तो वो कहाँ होगी उसके ऑफिशियल अपडेट्स अभी तक नहीं दिए गए। अब बात करते हैं इस तीसरे मुकाबले की, जो खेला जाएगा 7 जनवरी से 11 जनवरी तक सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां की पिच बल्लेबाजी के लिए पूरी सटीक होती है, साथ ही स्पिनर्स को यहां पर थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। तो यहां अश्विन और नेथन लायन के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर बारिश की बात करें तो दो दिन बारिश यहां पर रुकावट बन सकती है और साथ ही इस मुकाबले को पिंक टेस्ट कहा गया है, लेकिन यह मैच रेड बॉल के साथ ही खेली जाएगी। अब चलते हैं प्लेइंग 11 पे। तो इंडिया ने बढ़िया कमबैक करते हुए एक अच्छा मोमेंटम पा लिया है, साथ ही रोहित शर्मा आ चुके हैं तो ओपनिंग की जो परेशानी थी वो अब यहाँ खत्म हो चुकी है। हालांकि केएल राहुल और उमेश यादव दोनों भी टीम से बाहर हो चुके हैं, तो नटराजन या फिर नवदीप सैनी का यहाँ पर डेब्यू दिखाई दे सकता है। तो देखिए, तो ओपन करेंगे रोहित शर्मा और उनके साथ आएंगे शुभमन गिल, जिन्होंने पहले मुकाबले में अपना खेल बढ़िया दिखाया है। फिर चेतेश्वर पुजारा, जो अभी तक एक अच्छी पारी की खोज में है। फिर आएंगे कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो अपने अंदाज में आ चुके हैं। फिर हनुमा विहारी, जिनका अभी तक बल्ला उतना बोला नहीं है। और उनके बाद विकेट कीपर ऋषभ पंत। उनके बाद आएंगे स्पिन ट्विन जडेजा और अश्विन। और उनके बाद पेस अटैक में होंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपने आखिरी मुकाबले में एक बढ़िया गेंदबाजी का परफॉर्मेंस दिया। और आखिर में नवदीप सैनी या फिर नटराजन, दोनों में से किसी को भी मौका मिल सकता है। अगर ये मुकाबला आखिरी होता है तो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि 1-1 से सीरीज में अभी तक बराबरी है। तो अगर ये मुकाबला इंडिया को जीतना है तो 20 विकेट निकालने होंगे। तो दोस्तों कौन जीतेगा ये मुकाबला कमेंट्स में जरूर बताना। बस इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, साथ ही सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।